टू अदर वीडियो। तो आज सुबह जब मैं हमेशा की तरह आराम से हफ्ते हफ्ते इंस्टाग्राम देख रहा था, तब मुझे इंस्टाग्राम पे एक एड आया। गेस करो एड किसका आया? एप्पल का। और एड में क्या लिखा था? नया आईफोन खरीद लो 15 प्रो मैक्स 1.5 लाख रुपया ओनली। और ये एड देखकर मेरे मन में एक विचार आया कि अगर मार्केट में 1.5 लाख रुपए के फोन मिलते हैं तो मार्केट में डेफिनेटली 150 रुपए का फोन से मिलता होगा। नहीं, वो छैया छैया वाले फोन में। और क्या ये 150 रुपए का फोन वो सब चीज कर सकता है जो एक 1.5 लाख रुपए ओनली का फोन कर सकता है? फिर इन सवालों के जवाब जानने के लिए चलते हैं हमारे फेवरेट वेबसाइट Amazon पे। ओके, सो Amazon पर हम लोग सर्च करने वाले गेमिंग स्मार्टफोन, और सर्च करते सबसे पहला रिजल्ट आया OnePlus का, और ये फोन का प्राइस है 69,999। OnePlus, I know what you did there. Very nice. So, Amazon पे सर्च करने के बाद हमको sort by पे जाना है और करना है प्राइस लो टू हाई। तो सबसे ज्यादा चीपेस्ट फोन सिलेक्ट करने का हमारा पास एक सिंपल रूल है। जो फोन हम सिलेक्ट करेंगे वो फोन ब्रांड न्यू होना चाहिए, वो फोन ना ही रिफर्बिश्ड होगा ना ही सेकंड हैंड होगा। सो गाइज, इसी के साथ हमें मिल चुका है हमारा सबसे ज्यादा चीपेस्ट फोन Amazon पर, और वो है ये वाला फोन जिसका प्राइस है 4,799। मैंने ऑनेस्टली एक्सपेक्ट किया था कि और भी ज्यादा सस्ता होगा, बट देन इट्स ओके, ऐड टू कार्ट और ये पेमेंट हो गया, एड हमने ऑर्डर कर लिया द चीपेस्ट स्मार्टफोन। सो गाइस, फाइनली अपना फोन आकर डिलीवर हो चुका है, और ये रहा अपना द चीपेस्ट स्मार्टफोन। भाई देखकर लग नहीं रहा है चीपेस्ट है। और आज मैं घूमने जा रहा हूँ मेघालय। सो मैंने डिसाइड किया है कि इस फोन को हम लोग साथ में लेकर जाएंगे और इस फोन की टेस्टिंग हम लोग मेघालय घूमते घूमते करेंगे। बट उससे पहले मेरे को पैकिंग करना है, पैकिंग नहीं हुआ तो मोनिका बहुत मारेगी। सो गाइस, हम लोग अभी एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और हमारे पास है हमारा द चीपेस्ट स्मार्टफोन, और अभी हम लोग इसको अनबॉक्स करने वाले हैं। तो ये रहा फोन, आ जाओ फोन का अनबॉक्सिंग करते हैं। अब मुझे पता नहीं मेरे को इस फोन से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, बट इस फोन के ऊपर लिखा है 12 GB RAM और इसमें है 64 GB का रोम, और मुझे ये फोन मेरे ट्रिप में यूज करना है। डब्बा खोलते ही सबसे पहले क्या निकलेगा? What? डब्बा खोलते ही सबसे पहले ऋतिक रोशन है। मैं ये फोन का अनबॉक्सिंग एयरपोर्ट में कर रहा हूँ और आसपास के लोग मेरे को देख रहे हैं। आई थिंक इन लोगों को लग रहा है कि ये नया फोन यहाँ पर क्या कर रहा है लेके। बट एनीवे, ये फोन के ऊपर लिटरली ऋतिक रोशन का थोपड़ा बना हुआ है, और अगर तुम इस फोन के पीछे देखोगे ये लिटरली सस्ता आईफोन लग रहा है। और अपन ऊपर से प्लास्टिक को हटाएंगे ऋतिक रोशन वाले, और ये रहा अपना चीपेस्ट फोन। ये देख के लग रहा है, होने का देख के लग रहा है चीपेस्ट फोन है ये तो एक्सपेंसिव लग रहा है। ये लग रहा है आईफोन 69 प्रो मैक्स। नॉर्मल आईफोन में छोटा कैमरा होता है, इसमें कितना बड़ा साइज दो कैमरा का। और डब्बे में क्या है? डब्बे में कवर भी दिया है, आईफोन के साथ चार्जिंग का ब्रिक नहीं आता है। क्या इसमें चार्जिंग वाला ब्रिक भी आता है? ये चीज तुमको आईफोन नहीं देता है, बट द चीपेस्ट फोन तुमको ये चीज देता है, और साथ में कवर भी है। गाइस, ये मैगसेफ कवर है, इसके ऊपर मैगसेफ पे ऑसम 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 ऐसा बोल करके ऑसम लिखा हुआ है। मतलब ये बता रहा है कि ये फोन कितना ऑसम है। इसमें मेरे को आईफोन फिट करने का, मेरा आईफोन छोटा पड़ रहा है इसके ऊपर। गाइस, एनीवे फोन को स्टार्ट करते हैं। फोन की योग्यता पहचानने के लिए हम इस फोन से कुछ चैलेंजेस करवाएंगे जो शुरू होंगे नॉर्मल चीजों से और खत्म होंगे इम्पॉसिबल पर। सो इस फोन को कुछ बेसिक एवरीडे चीजें करनी होंगी, जैसे कि गाना चलाना, वीडियो रिकॉर्ड करना, कैंडी क्रश खेलना, और हम इस फोन पर कुछ हैवी गेम्स भी खेलेंगे जैसे कि BGMI, माइनक्राफ्ट और गेंशिन इंपैक्ट। और गेंशिन इंपैक्ट अगर तुमको नहीं पता तो वो किसी भी फोन के लिए सबसे ज्यादा हैवी गेम है। ये गेम को रन करने के लिए 1.5 लाख रुपए का आईफोन भी रो देता है, और ये तो चीपेस्ट स्मार्टफोन है। तो सबसे पहले चलते हैं प्लेन में और सुनते हैं कुछ गाने। तो गाइस, अभी हम लोग कैब में हम जा रहे हैं गुवाहाटी से शिलोंग, और अभी समय आ चुका है हमारे द चीपेस्ट फोन के अगले टास्क का, विच इज वेरी सिंपल, इट्स कैंडी क्रश। सो यस गाइस, ये हमारे चीपेस्ट फोन का सबसे पहला गेमिंग टेस्ट है, और आई थिंक सो कैंडी क्रश ये फोन आराम से रन कर लेगा। स्वराज तो चलेगा? हाँ, चलेगा ना। अगर ये फोन अभी कैंडी क्रश नहीं चला पाया सो आई डोंट नो ये फोन आगे के चैलेंजेस कैसे कर पाया, क्योंकि आगे इस फोन को BGMI चलाना है, माइनक्राफ्ट चलाना है, और सबसे ज्यादा खतरनाक इस फोन को गेंशिन इंपैक्ट रन करना है जो 30 GB का डाउनलोड है। ओके, कैंडी क्रश को लॉन्च करते हैं, और लॉन्च तो हो रहा है, लोगो आ रहा है। ओके, सरप्राइजिंगली इसको लोड होने में ज्यादा टाइम नहीं लगा, और प्ले आई थिंक सो कैंडी क्रश इजीली चल जाएगा। मतलब कैंडी क्रश तो चलना चाहिए यार, कैंडी क्रश किसी फोन में भी चल जाता है। यस, कैंडी क्रश चल रहा है, कैंडी क्रश बहुत ही ज्यादा स्मूथली चल रहा है। ओके, यस, कैंडी क्रश इज वेरी स्मूथ।
एंड आई कैन से गाइस कि ये फोन अपना कैंडी क्रश टेस्ट पास हो चुका है और इस द चीपेस्ट फोन में कैंडी क्रश आराम से चल रहा है। तो अभी गाइस शिलोंग के रास्ते एंजॉय करते हैं और इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगले चैलेंज की तरफ। सो आगे बढ़ने से पहले गाइस तुम लोगों को इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं कि अपना जो ये वाला चैनल है वो 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स के बस लिटरली तुसा करीब है। सो ये तुम्हारे लिए रिमाइंडर, नीचे जाकर देखो अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो और ये जो प्ले बटन है ये फटाक से मेरे हाथ में गिर जाएगा। नाइस। तो गाइज अभी हम लोग है मेघालय के जंगलों के अंदर, लिटरली माइनक्राफ्ट वाला फील आ चुका है। माइनक्राफ्ट में जैसे हम लोग जंगल के अंदर जाते हैं वैसे ही हम लोग यहाँ पर जंगल के अंदर आ गए। और सुनो सुनो सुनो, ध्यान सुनो, तुमको वाटरफॉल का साउंड आएगा। यहाँ पर बाजू में एक बहुत बड़ा वाला वाटरफॉल है और अभी हम लोग इस जंगल के अंदर जाने वाले हैं और इस चीपेस्ट फोन का अभी अगला चैलेंज है माइनक्राफ्ट। तुम्हें क्या लगता है क्या ये फोन माइनक्राफ्ट रन कर पाएगा? I'm hoping चलेगा। चलेगा चलेगा चलेगा। ट्राई करते हैं, आ जाओ। पहले गाइस रुको, हम लोग बिल्कुल माइनक्राफ्ट की तरह जंगल के अंदर जाएंगे। मेरा पिकैक्स किधर है? पिकैक्स लाने भूल गया मैं। तुरे रुको रुको, पिकैक्स निकालते अपन। पिकैक्स और एक्स, अभी ये दोनों लेके अपन जंगल के अंदर जाएंगे। लेट्स गो। अरे मैं तो भूल गया, मेरे को डायमंड माइनिंग करना है। ओ यहाँ पर एक पत्थर है, हम यहाँ से स्टोन और निकालेंगे। गाइस हमको एक स्टोन मिल चुका है, चलो जंगल के अंदर जाएंगे। एक काम करते ना, अपन इधर ही बैठ जाते मस्त माइनक्राफ्ट खेलते हुए। नहीं रे भाई, उधर कुछ कीड़ा बीड़ा है। गाइस इसके अंदर माइनक्राफ्ट का स्केलेटन है, आवाज आ रहा है मेरे को। उधर माइनक्राफ्ट का केव है, केव के अंदर अपने को डायमंड मिल सकता है, बट देन खतरा भी केव के अंदर है, तो आ नहीं जाएंगे, इधर ही खेलेंगे। चलो भाई हम लोग ने अभी माइनक्राफ्ट रन कर लिया है और अब देखते हैं कि क्या ये फोन माइनक्राफ्ट एक्चुअली चला पाएगा या नहीं चला पाएगा। लोड तो हो रहा है, काला स्क्रीन हो गया थोड़ी देर में। और ऐसे जंगलों के बीच आके माइनक्राफ्ट खेलने का मजा ही अलग है, मतलब ऐसा लिटरली लग रहा है कि मतलब हम लोग माइनक्राफ्ट के अंदर ही है। और यहाँ पर गेम लोड हो रहा है और गेम लोड हो गया। आई थिंक माइनक्राफ्ट चला लेगा, मतलब बस इस फोन का एक प्रॉब्लम है, इस फोन का जो ब्राइटनेस है वो थोड़ा सा ब्लू है, उसके हिसाब से ये मेरे को जंगल में मेरे को ऐसे धूप आ रहा है, मेरे को दिखने ठीक से क्या है नहीं है। मतलब ऐसे घर में बैठा हूं तो मेरे को दिख रहा है, जंगल में मेरे को नहीं दिख रहा है। तो गाइस अपना माइनक्राफ्ट चालू हो चुका है, ये रहा अपना माइनक्राफ्ट। अपन करेंगे गेट स्टार्टेड और चालू हो रहा है, चालू हो रहा है, चालू हो रहा है। सेट डिफिकल्टी मैं थोड़ा इजी सेट करूंगा अभी के लिए, वेट अ सेकंड। गाइस माइनक्राफ्ट आराम से रन हो रहा है, मतलब लोड तो भी आराम से हो रहा है। मुझे पता नहीं लोड होने के बाद जब गेम चालू होएगा तभी कैसे काम करेगा, मेरे को पता नहीं, बट अभी लोडिंग वोडिंग तो आराम से हो रहा है। लोडिंग रिसोर्सेज, बिल्डिंग टेरेन, जनरेटिंग वर्ल्ड, इसके पहले मेरा सवाल था क्या माइनक्राफ्ट चलेगा, बट अब मेरा सवाल है क्या इस पे माइनक्राफ्ट लैग करेगा। ओके बिल्डिंग टेरेन में आगे थोड़ा सा हक दिया, थोड़ा सा स्लोली स्लोली हो रहा है। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। क्या माइनक्राफ्ट चलेगा भाई? मेरे को हमेशा से जंगल के बीच में आके माइनक्राफ्ट खेलने का था, पता नहीं क्यों जंगल में आके मेरे को माइनक्राफ्ट खेलने का था। लगता है पूरा माइनक्राफ्ट के अंदर ही। देखो पीछे, देखो पीछे का पूरा माइनक्राफ्ट का बायो भी दिख रहा है। ओके गेम चालू हुआ, गेम चालू हुआ, गेम चालू हुआ। लोडिंग में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है बट गेम लोड हो गया और गेम चल भी रहा है। इनफैक्ट उतना ज्यादा स्पीड में तो नहीं चल रहा है, थोड़ा सा हाँ थोड़ा FPS कम है, इतना मैं बोल सकता हूँ, थोड़ा सा FPS गेम में कम है ये मैं बोल सकता हूँ। और आई थिंक इसका व्यू, अबे नहीं यार व्यू डिस्टेंस बहुत अच्छा दिख रहा है इसका, क्या हम लोग इसमें कम कर सकते हैं क्या इसका व्यू डिस्टेंस? शिट मैंने बस व्यू डिस्टेंस कम करने के लिए मैं गया तो उसको चालू होने में कितना टाइम लग रहा है। और ओके लैग हुआ, चिपका चिपका गेम चिपका गेम चिपका गेम चिपका गेम चिपका। यार अगर इसमें बहुत सारे चीजें आगे पीछे हिलेंगे ना तो गेम पक्का चिपकेगा। ओके तो अभी हम यहाँ पर आकर लकड़ी तोड़ेंगे जो मेरे को बिल्कुल नहीं दिख रहा है। एक्चुअली यार स्क्रीन का ब्राइटनेस बहुत कम है मेरे को। ओ शिट फिर लैग हुआ। तुम माइनक्राफ्ट इसमें खेल सकते हो बट खेलने लायक नहीं है वो। तुम कर सकते हो बट डजंट मीन वो उसके लायक है करने के, बट तुम कर सकते हो। ओके अपन ने चार लकड़ियां तोड़ ली है, अभी हमें सिर्फ जाकर बनाने हैं माइनक्राफ्ट का एक क्राफ्टिंग टेबल और एक टूल। क्राफ्टिंग टेबल कैसे खोलते हैं? ओके ऐसे ये यहाँ जाएगा, यहाँ से ये वापस आएगा। अभी बनाएंगे एक क्राफ्टिंग टेबल और फिर बनाएंगे, इतनी तो लकड़ियां नहीं चाहिए अपने को। इसका बंटवारा कैसे करते हैं भाई? टच स्क्रीन वाला माइनक्राफ्ट थोड़ा दिक्कत वाला है। अच्छा नहीं ऐसे बंटवारा करते इसको। ऑलराइट गाइस अपन ने स्टिक्स बना लिए, अभी अपने को प्लेस करना है अपना क्राफ्टिंग टेबल, ऐसा प्लेस कर देंगे और क्राफ्टिंग टेबल के अंदर क्लिक करके हमको बनाना है अपना एक पिकैक्स जो कि बन गया। और यस अभी अपने पास माइनक्राफ्ट के अंदर पिकैक्स आ गया है। जो मेरे पास नकली वाला पिकैक्स था वो मेरे पास अभी असली वाला पिकैक्स आया। और अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी माइनक्राफ्ट में भागते रहेंगे, देखते कितना लैग होता है, बट जनरली लैग नहीं हो रहा है। ऑनेस्टली अगर तुम छोटे मोटे लैग को ऐसा जाने दो कि मतलब चलो ठीक है थोड़ा थोड़ा लैग होता है चलता है, उसके अलावा नहीं है, आई थिंक गेम प्लेबल है। मनी इधर आ, आराम से नीचे जाएगी। मनी क्या ये माइनक्राफ्ट प्लेबल?
कंफर्टेबल है? हाँ, लग रहा है। ठीक है, देखो गाइस, मैंने माइनक्राफ्ट मेरे लाइफ में बहुत खेला है, तो मुझे ना छोटा सा भी माइनक्राफ्ट का जो फ्रेम ड्रॉप है ना, मेरे को ऐसा नोटिस हुआ कि मैंने माइनक्राफ्ट 300-400 एफपीएस में खेला है, इसलिए माइनक्राफ्ट ऑलमोस्ट बिल्कुल भी नहीं खेला अभी तक। ये तो बहुत स्मूथ है। स्मूथ है, ओके, बहुत अच्छा है ये। मतलब मेरे को लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा फ्रेम ड्रॉप हो रहा है, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पे माइनक्राफ्ट हग रहा है, बट देन इफ मोनिका सेज इज गुड, इट इज गुड, एंड देयरफॉर गाइस द चीपेस्ट फोन माइनक्राफ्ट चैलेंज ही पार कर चुका है। अप्रूव्ड। सो ऑलराइट गाइस, अभी हम लोग पहुंच रहे हैं ताउकी में, और यहाँ पर है एक रिवर जिसको बोलते हैं क्रिस्टल क्लियर वाटर। मतलब वो वाटर ऐसा वाटर है, वो वाटर के अंदर तुमको दिखेगा, तुमको अंदर का मच्छी दिखेगा, मच्छी क्या खा रहा है तुमको वो दिखेगा। मैं पहले एक बार यहाँ पे आया हूँ और ये एक्चुअली क्लियर है। इस क्रिस्टल क्लियर वाटर में हम लोग बोटिंग करने वाले, और बोटिंग करते समय मुझे इस फोन से कुछ वीडियो शूट करना है। अंडर वाटर भाई, फोन के ऊपर ऑसम लिखा है, तो मेरे को पता नहीं है फोन अंडर वाटर कितना ऑसम होएगा, मैं बोल नहीं सकता उसके बारे में। बट देन गाइस, यहाँ पर मैं इस फोन के मदद से कुछ वीडियोस रिकॉर्ड करने वाला हूँ, और आगे इस वीडियो में हम लोग उन्हीं क्लिप्स को एडिट मार के ट्राई करेंगे कि ये फोन कितना अच्छा एडिटिंग कर सकता है। बट उससे पहले लेट्स गो टू ताउकी। स्वराज से हाय। हाय, हेलो, खाना खा के जाना। गाइस, ये फोन का ब्राइटनेस इतना गंदा है कि मेरे को भी नहीं दिख रहा है इसमें क्या दिख रहा है, पता नहीं, घर जाके मालूम पड़ेगा क्या दिख रहा है इसमें। और अब भी ये चीपेस्ट फोन के अगले चैलेंज की बारी आ चुकी है। ये वाला पूरा घना जंगल देखकर मेरे को फील आ रहा है पबजी मोबाइल का, एंड व्हाट दैट मींस इज कि अभी हमें खेलना है PGMI। और गाइस, ये जंगल इतना ज्यादा शांत है कि मेरे को लिटरली धीरे बात करना पड़ रहा है, मैं इतना धीरे बात भी नहीं करता हूँ। यार, जंगल में जानवर होता है क्या, कोई जंगली जानवर? शेर भी होता है यहाँ पे तुम्हारे? शेर भी होता है, क्योंकि अपन पता है गाड़ी अपन ने कितना दूर पार्क कर रहा है, और गाड़ी पार्क करके हम लोग कम से कम पिछले आई थिंक 40 मिनट चलते हुए यहाँ पे आए ना, 40 मिनट हो गया चलते चलते। अरे जंगल हालत देख इधर, जंगल का नीचे का पूरा, ये देख ऐसा जंगल है पूरा। और थोड़ी देर पहले इसको कुछ तो पैर में काटा है, तू चेक किया तूने तेरा पैर ठीक है क्या? नहीं, देखता हूं पापा जाके देखेंगे ना। तो आई थिंक ये अपना, ओ भाई क्या वास्ता जंगल से भाई, ये क्या आवाज है, वहां से कुछ तो आवाज आ रहा है भाई, मालूम नहीं क्या सीन है। गाइस, क्या आपने कल्टी माना चाहिए? हाँ। मेरे को पता नहीं अभी एक्चुअली क्या आवाज है, निकलते चलो चलो चलो, भागो 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 भाई जंगल से, चलो चल चल चल। सो गाइस, हम BGMI खेलने बाहर कुछ जगह पर गए थे, बट देन मैं एक चीज भूल गया कि यहाँ पे बहुत सारे जगह पे नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं आता। तो अभी हम लोग वापस आ चुके हैं हमारे होटल रूम में। ओके, गेम स्टार्टिंग। ऑलराइट गाइस, अपना BGMI लोड हो चुका है, और मेरे को ना यहाँ पर थोड़ा सा धीरे बात करना पड़ रहा है क्योंकि ये दीवार से बाजू में आवाज जाता है। और गाइस, अपना BGMI चालू हो चुका है, और मैंने BGMI पे गाइस कौन से अकाउंट से लॉग इन किया वो देखो। और एक्चुअली गेम चिपक रहा है थोड़ा, इतना भी स्मूथली नहीं चल रहा है। क्या मैं TDM खेल सकता हूँ? मैं TDM नहीं खेल सकता। आई थिंक ये अकाउंट से मैंने बहुत साल से नहीं खेला, तो मेरे को जबरदस्ती एरेंगल में उतारेगा ही उतारेगा। बट ठीक है, एरेंगल में थोड़ा सा अच्छा टेस्टिंग हो जाएगा इसका। और गाइज, अगर तुम्हें मेरे इस वाले अकाउंट के बारे में पता है तो कमेंट करके बताओ मेरे को। आई थिंक बहुत लोग को पता होगा, क्योंकि जो चीज अपन ये अकाउंट से करते थे वो देखने में बहुत लोग को मजा आता था, और उसमें मुझे मजा आता था। अपना BGMI चालू हो गया है भाई, ये कितना लैगी है, मतलब ठीक है चल रहा है, मैं खेल सकता हूँ, बट देन आई थिंक अगर मेरे सामने कोई एक अच्छा फोन वाला आएगा ना, वो मेरे को पीट के जाएगा। ये इस पे अभी तक होता है वैलेंटाइन के इवेंट्स वगैरह। गाइस, मैं कैरेक्टर देखो, यो कूल बॉय। ओके गाइस, अपने पास पूरा BGMI का मैच खेलने का टाइम तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अपने को बाहर निकलना है, अपने को घूमने जाना है, तो इसीलिए अपन फटाफट से नोवर अपना में उतरेंगे, थोड़ी सी लूट करेंगे, होपफुली कुछ बंदे मारेंगे। इसका ग्राफिक्स बहुत ही ज्यादा गंदा दिख रहा है, तुमने देखा था वो नोवर अपना कैसा लिखा हुआ था? ओ शिट, नीचे का ग्राफिक्स देखो। मुझे ये नीचे ग्राफिक्स देखकर ना PUBG PC की याद आ रही थी, PUBG PC में यही होता था पहले। शिट, लिटरली गेम अटक गया भाई, मेरे लैंड करते ही गेम क्रैश हो गया। तो क्या ये फोन BGMI नहीं चला पाएगा? गाइस, अगर अच्छे से बताओ ना कि जब भी मैं BGMI खेलता हूँ, मेरे को पबजी मोबाइल की बहुत ज्यादा याद आती है। तो मेरे को तुम लोगों को एक सवाल पूछने का था, तुम्हारा फेवरेट कौन सा वाला है, मतलब ये तुम्हारा दिल किधर है? मेरा वाला तो भाई पबजी मोबाइल में है। क्या दिन थे भाई पबजी मोबाइल वाले, और अभी ये लोड भी नहीं हो रहा है। और गाइस, अभी गेम यहाँ पर आगे चिपका हुआ है, ये गेम आगे भी नहीं बढ़ रहा है। सो आई थिंक सो वी हैव टू मेक अ डिसीजन। गेम चालू हो गया, मैं जस्ट डिसाइड करने वाला था, गेम चालू हो गया और रिजॉइन मैच का ऑप्शन आ रहा है। क्या ये मैच रिजॉइन होगा? और गाइस, गेम फिर से क्रैश हो गया। सो आई थिंक सो गाइस, विद दैट हमारा डिसीजन बन चुका है।
ये चीपेस्ट फोन BGMI नहीं चला सकता। अब आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट गाइस, तो अभी टाइम हो चुका है इस फोन पे एडिटिंग ट्राई करने का, और इस फोन ने अभी तक बहुत सारे चैलेंजेस को आराम से संभाला है। तो वीडियो एडिटिंग के लिए मैंने चुना है फिल्मोरा, क्योंकि ये एक बहुत ही ज्यादा फेमस एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। तो कुछ टाइम पहले गाइस हम लोग गए थे दाउकी में, और दाउकी में हमने कुछ वीडियोस रिकॉर्ड किए, और अभी हम लोग फिल्मोरा की मदद से उन्हीं वीडियोस को एडिट करने वाले। लेट्स सी। ओके, सो गेट स्टार्टेड। फिल्मोरा प्रो नहीं चाहिए मेरे को, इधर नेटवर्क ही नहीं है भाई। ओके, न्यू प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हैं, अपने क्लिप्स जो अपन ने रिकॉर्ड किए। एक्चुअली पता है ये फोन का जो वीडियो रिकॉर्डिंग है ना, वो थोड़ा सा हल्का फुल्का सा स्लो है, तो आई डोंट नो ये कितना अच्छा काम करेगा, बट मैंने अभी तक जितने भी चीजें रिकॉर्ड की मैं ऑलमोस्ट सारे ले लेता हूँ, और इनको अपन ने अभी इंपोर्ट कर लिया है। जो लोडिंग हो रहा है, ये लोडिंग टाइम डिटरमाइन करता है कि फोन तुम्हारा कितना ज्यादा अच्छा है। और लोड हो गया, इधर चालू भी हो गया। तो ये अपन प्ले, अबे पूरे वीडियो पे लिख के आया शॉर्ट ऑन ऑसम, पूरे वीडियो पे कब्जे में लिख के आया शॉर्ट ऑन ऑसम। मैं इसको प्ले कर रहा हूँ ना, तो ये थोड़ा सा लैगी है, मतलब लिटरली ऐसा एक एक फ्रेम चल रहा है। आई डोंट नो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में कैसा आएगा, तुम लोगों को मैं ऐसे दिखाता हूँ, देख रहा हूँ ये लैगी है, ये थोड़ा एक एक फ्रेम चल रहा है। एंड आई डोंट थिंक सो कि ये वीडियो इतना ज्यादा लैगी था। सो जनरली अपन क्या करेंगे, मेरा एक्चुअल में प्लान था कि अपन इसमें एक अच्छा सा रील बनाएंगे, बट देन वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम पे ये कोई अच्छा काम नहीं कर रहा था। सो अपन क्या करेंगे, अपन इस पे रील नहीं बनाएंगे, अपन ने जितने भी चीजें शूट की अपन ने सबको ऐसा लाइन में लगा लिया। अभी हमारा 1:11 का टाइमलाइन बन चुका है, और अपन इसको जाके सीधा करेंगे एक्सपोर्ट, और देखते इसको एक्सपोर्ट होने में कितना टाइम लगता है। ओके, फ्री एक्सपोर्ट, एक्सपोर्टिंग, प्लीज डोंट क्लोज फिल्मोरा, लॉक योर स्क्रीन। 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, 10%। एक्चुअली नॉट बैड, मतलब अभी मैंने इस पर कुछ खास नहीं किया है। मतलब एडिटिंग का मतलब यूजुअली ये तो नहीं होता है कि तुम सारे क्लिप्स को लाइन में लगा रेंडर मारोगे, एडिटिंग का मतलब तुम उस पर म्यूजिक डालोगे, तुम उस पर इफेक्ट्स डालोगे, बट इस पर कुछ भी नहीं है, और उसके बिना भी ये आई थिंक डिसेंट स्पीड पे रेंडर कर रहा है। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि एडिटिंग करते टाइम तुमको इसका जो वीडियो है वो तुमको ऐसा ऐसे एक एक फ्रेम दिखता है, तो उसमें थोड़ा तुम्हारा मजा खराब हो जाएगा। और 99 एंड फाइनली ये एक्सपोर्ट हो गया। सो गाइस, इस फोन का एडिटिंग टेस्ट हो चुका है, अभी अपन लोग जाने वाले हैं लाइट रूम, क्योंकि वहां जाकर इस फोन का सबसे ज्यादा खतरनाक टेस्ट होने वाला है। लेट्स गो। सो गाइस, अभी हम लोग हैं लाइट रूम ग्रैंड कैनियन में। मैंने कहा जाएगा लाइट रूम ग्रैंड कैनियन है, लाइट रूम ग्रैंड कैनियन एकदम ग्रैंड। और अभी हमारा जो चीपेस्ट फोन है, इस चीपेस्ट फोन का सबसे लास्ट वाले चैलेंज की टाइम आ चुका है, और इसका लास्ट चैलेंज है कि इसको सबसे ज्यादा हैवीएस्ट गेम जो मोबाइल में चल सकता है उसको रन करना है। मेरे को लगता नहीं, मैंने कब से फोन उल्टा पकड़ा है, मैं भी देख रहा हूँ, मेरे को लगता नहीं है कि इतना हैवी गेम्स रन कर पाएगा, बट देन मोबाइल में ना बहुत सारे हैवी गेम्स है, और मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, इसीलिए मैंने इंस्टाग्राम पे तुम लोग से पूछा कि तुम लोग मेरे को बताओ कि मोबाइल का सबसे ज्यादा हैवीएस्ट गेम कौन सा है। बहुत सारे लोगों ने बताया कि सबसे ज्यादा हैवीएस्ट गेम जो फोन के लिए है वो है गेंशिन इंपैक्ट। एंड गाइस, मैं एग्री करता हूँ, पता है क्यों? क्योंकि ये गेम अब तक चालू नहीं हुआ है। ये गेम मैंने इंस्टॉल किया, ये गेम प्ले स्टोर में 800 MB का है। तुम सोचोगे 800 MB का गेम है, मस्त है, डाउनलोड हो जाएगा, चल जाएगा, बट देन उसके बाद जब ये गेम चालू होता है ये 30 GB डाउनलोड मारता है, 30 GB। और इनफैक्ट अभी जब हम लोग होटल से सुबह निकले थे, इसका डाउनलोड कंप्लीट हुआ, और इसने चालू किया था कंपाइलिंग शेडर्स, ये दिख रहा है कंपाइलिंग शेडर्स, ये सुबह से चालू है, और यहाँ तक अभी तक सिर्फ ये 44% हुआ है। तो अभी अपने को वेट करना है इसका कंपाइलिंग खत्म होने का, तब तक क्या करें अपन, तब तक थोड़ा सा अपन लाइट लूम ग्रैंड कैनियन घूमते हैं, आ जाओ। तो गाइज, इसको कंपाइलिंग होने को बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, अभी तक 50p है, बट देन गाइज ये कंपाइलिंग होते होते मेरे को ये दिखा, अल्लाह जाने का इस पे भाई, ये लकड़ी देख के डर लग रहा है मेरे को, ये गिरेगा नहीं मेरे वजन से ना, मेरा वजन है ठीक है, मैं हल्का फुल्का आदमी नहीं है। थैंक यू, आई थिंक ये फोन मोनिका को देखे जाना चाहिए, ये कंपाइल हो गया तो बताना मेरे को। ओ भाई, मैं जितनी बार मेघालय में आता हूँ मेरे को ऐसे चीजें क्यों मिलते हैं, पिछली बार मेघालय आया था मेरे को ब्रिज मिला था, हैंगिंग ब्रिज, आहिस्ता से हिल रहा था वो। ओके भाई, माँ कसम, लिटरली नीचे खाई है, यहाँ पर कुछ नहीं है, कैसा बना इन लोगों ने इसको, मैं क्यों कर रहा हूँ ये, अगर गेंशिन इंपैक्ट कंपाइल हो जाता मेरे को ये करना नहीं पड़ता, गेंशिन इंपैक्ट के शेडर की गलती के मेरे को करना पड़ रहा है। तू धीरे धीरे हिल मत, तू आवाज कर रहे वो पूरा स्ट्रक्चर हिल रहा, हिल मत जस्ती, तू रुक जा जगह पे, पूरा ही हिल रहे। अच्छा, आराम से जाएंगे, रुको आराम से जाएंगे, साला अभी आधा रास्ता आ गया, अभी जाना ही पड़ेगा, अभी ना इधर का ना उधर का। चलो भाई, तो कुछ ज्यादा ही आवाज कर रहा है भाई, ये टायर का रबर काट के बंद है, क्या सोच के बना है ये, कौन सा एडवेंचर स्पोर्ट्स है, ये लोग क्यों करते हैं ये। हो गया, अपन आ गए, अपन हो गए, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया।
हो गया। तुमको आवाज आ रहा है? इतना देर डाउनलोड कंपाइल करने के बाद जब गेम चालू हुआ है तो गेम का सिर्फ ऑडियो ही ऐसा आ रहा है मर मर के। मैं एक चीज रियलाइज कर रहा हूँ कि ये गेम चल रहा है बट गेम पूरा वाइट स्क्रीन पे चल रहा है, मतलब गेम में कुछ आ नहीं रहा है, गेम का वीडियो भी लोड नहीं हो रहा है। ये पार्ट स्किप नहीं होता है क्या? ऑप्शन ही कुछ दिख ही नहीं रहा है, वाइट स्क्रीन दिख रहा है, वाइट स्क्रीन मेरे को। चलो आया 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 आया, सिलेक्टेड ट्विन। ओके, अपन ने ट्विन सिलेक्ट कर दिया, अभी इस ट्विन का अपन नाम देंगे लेंडी चोर। हेलो डोगो, ओए तेरे को खेलना है गेंशिन इंपैक्ट? ओके भाई, अपन ने ट्विन को नाम दे दिया और अपना गेम अभी चालू हो रहा है। आई ऑनेस्टली डिड नॉट एक्सपेक्ट कि इस फोन में गेंशिन इंपैक्ट कभी चल सकता है। मतलब ये गेम डाउनलोड जितने टाइम में हुआ है उतने टाइम में शायद से मैं पीसी पे 10 गेम डाउनलोड कर लूंगा, और उतने टाइम में ये अकेला गेम डाउनलोड हुआ है अभी तक, इसके सिनेमैटिक दिख रहा है। ओके, आई थिंक सो कि अभी गेम चालू होने वाला है, एंड जस्ट लाइक दैट द गॉड टुक अवे माय ब्रदर। ओके, अभी तक स्टोरी चल रहा है, अब तक अपन गेम प्ले पे नहीं आए हैं। क्या लगता है मनी, गेम प्ले चलेगा इसका? आई एम होपिंग चलेगा। सुरेश चलेगा ना? चालू हो जा। आई डोंट नो, मैंने क्या एक्सपेक्ट किया था कि एक्चुअली गेंशिन इंपैक्ट चल जाएगा इस पे। हो, चालू हुआ। फिर से स्टोरी चालू हो गया। एक सेकंड, मेरे को जानना है, मैंने गेंशिन इंपैक्ट पहले खेला है बट क्या गेंशिन इंपैक्ट सिर्फ ऐसा सिनेमैटिक ही है? क्योंकि मैंने खेला है, मेरे को याद नहीं इतना कुछ स्टार्टिंग में था कि नहीं था। मैंने मोबाइल पे कभी नहीं खेला, मैंने फोन पीसी पे खेला। तो पीसी और मोबाइल का अलग है क्या? एटलीस्ट अभी ऑडियो सुधर गया ना, अभी ऑडियो ठीक आ रहा है। यस, ओके, गेम प्ले चालू हो गया। भाई गेम एक्चुअली चल रहा है, भाई गेंशिन इंपैक्ट एक्चुअली चल रहा है इस फोन में। मैं खेल पा रहा हूँ, मैं कैमरा जूम इन जूम आउट कर पा रहा हूँ। क्या मैं उड़ी मार सकता हूँ? यस, अपन उड़ी मार पा रहे, अपने पानी के अंदर चला गया तैरते तैरते, अपन स्पीड में भाग पा रहे, अपन उड़ी मार पा रहे, अपन अटैक कर पा रहे। okay, थोड़ा स्टैमिना खत्म हो गया अभी। ओके, आई थिंक ये जो चल रहा है ये इस गेम का सबसे ज्यादा घटिया ग्राफिक्स में चल रहा है, सबसे लोएस्ट ग्राफिक्स में चल रहा है। मजे की बात यह है कि एटलीस्ट ये गेम चल रहा है, ठीक है। मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, मेरे को लगा था कि ये गेम शायद से नहीं चलेगा। एक तो ये इतना देर लगा डाउनलोड होने को, और ऊपर से कंपाइलिंग में इतना टाइम लगा था कि मेरे को लगा अपने घर जाने का टाइम हो जाएगा, अपने जाना पड़ेगा। एक्चुअली देखो शाम हो गया है, सनसेट हो गया ऑलमोस्ट। बड़ी गेम बहुत गंदा चल रहा है गाइस, गेम चल तो रहा है बट गेम बहुत गंदा चल रहा है। So guys, finally, अपन एक हफ्ते के ट्रिप के बाद घर वापस आ चुके हैं, और ये जो हमारा चीपेस्ट फोन है, इस फोन ने मेरे को बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया। मतलब पिछले टाइम हमने किया था चीपेस्ट पीसी के साथ, उसने भी डिसअपॉइंट नहीं किया। इतना सस्ता पीसी था, उसने GTFI चला लिया, और ये वाला फोन, ये भी इतना सस्ता फोन है और इस फोन ने गेंशिन इंपैक्ट चला लिया, इस फोन ने माइनक्राफ्ट चला लिया। मतलब लिटरली अगर मैं माइनक्राफ्ट खेलना चाहूं तो इस फोन ने मैं माइनक्राफ्ट आराम से खेल सकता हूं। आई मीन, इस फोन का जो कैमरा है वो थोड़ा सा गू है, मैं इसमें अच्छे फोटोज ले नहीं पाऊंगा, और थोड़ा स्लो भी कैमरा है, और इसका ब्राइटनेस भी गंदा है, तो बाहर जाकर देखते नहीं मिलता। बट एनीवे, सस्ते वाले फोन से तुम और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? ये आईफोन थोड़ी ना अच्छे फोटोज लेगा। इस फोन में तुम गाने सुन सकते हो, तुम वीडियोस एडिटिंग कर सकते हो, हल्के फुल्के एडिटिंग कर सकते हो, तुम इस पे सोशल मीडिया चला सकते हो। तो बेसिकली ये जो फोन है ऑलमोस्ट सब कुछ कर सकता है, एंड ऐसे वीडियोस बना के धीरे धीरे मेरे सस्ते वाले टेक पे भरोसा बढ़ते जा रहा है। सो मुझे अगर कोई सस्ते वाले फोन के साथ एक हफ्ता भी छोड़ दे तो आई थिंक मैं आराम से निकालूंगा, मेरे सब चीजें हो जाएंगे इसमें। बस एक चीज है, ये फोन BGMI नहीं चला पाया। मैंने एक्सपेक्ट किया था गेंशिन इंपैक्ट इस फोन के लिए सबसे ज्यादा हैवी होगा, बट ये फोन BGMI में आके हग दिया। लिटरली गेम दो बार क्रैश हो गया। सो एनीवे गाइस, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर सब्सक्राइब करो, और तुमसे मिलता हूं मैं अगले वीडियो के लिए। बाय बाय।